लोग आए इस बात करें नागिन शो के बारे में, तो जी हाँ, नागिन शो सीजन 6 ऑफर जाने वाला है। सीजन 7 को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा देखी जा रही है फैंस के बीच में। जी हाँ, नागिन सीजन 7 को लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, जहाँ पर एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं मौनी राय को लेकर। जी हाँ, नागिन सीजन 7 में मौनी राय हो सकती हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। बता दें, सीजन 6 की अगर बात करें तो बिग बॉस की निकली हुई क्वीन यानी तेजस्वी प्रकाश को कास्ट किया गया था इस शो के अंदर, और ऐसे में सीजन 7 की बात करें तो एक बार फिर से लोग ऐसे ही कयास लगा रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर बिग बॉस सीजन 16 यानी बिग बॉस सीजन 16 की जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कोई एक एक्ट्रेस हो सकती है नागिन सीजन 7 की लीड एक्ट्रेस। तो वही नाम सामने आ रहा है सुंबुल तौकीर का, प्रियंका चौधरी का, जी हाँ, और साथ ही साथ निमृत कौर का भी। ऐसे में ये तीनों ही क्वीन हैं बिग बॉस 16 की। हालांकि अगर बात करी जाए तो सुंबुल तौकीर को लेकर फैंस ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब तक कोई कैरेक्टर में फिट नहीं होता है उसे ऐसे कास्ट नहीं करने वाली हैं एकता कपूर। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस फेम हो उसके बाद ही वो उन्हें नागिन शो में कास्ट करें। पिछले सभी सीजन आपने देखे होंगे मौनी राय कोई बिग बॉस का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन बावजूद उसके उनका कैरेक्टर जो नागिन के कैरेक्टर में वो नज़र आई सुपर डुपर हिट रहा। इसीलिए फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं मौनी राय को एक बार फिर से लोग देखना चाहते हैं सीजन 7 में, और ख़बरें भी आ रही हैं कि एकता कपूर उनको लेकर आने वाली हैं। जी हाँ, नागिन सीजन 7 में एक बार फिर से मौनी राय होने वाली हैं, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है फैंस के लिए। हालांकि वो कैमियो रोल प्ले करेंगी या वो लीड रोल में नज़र आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर अगर लीड रोल में कोई और एक्ट्रेस नज़र आने वाली है तो अभी सस्पेंस क्रिएट है क्योंकि एकता कपूर को कुछ भी रिवील करने में विलेव नहीं है, और अगर रिवील कर देंगी तो फिर वो बात नहीं रहेगी। नागिन सीजन 7 के लिए जो एक्साइटमेंट फैंस के बीच में देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं यही है, इसी के लिए है क्योंकि अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि नागिन सीजन 7 में लीड एक्ट्रेस होने वाली आखिर कौन है। सो इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा कौन नागिन सीजन 7 में नागिन का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। वहीं उनके अपोजिट कौन नजर आएगा वो भी सस्पेंस क्रिएट है। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर होने वाला है, बहुत ही सोच समझकर वो कास्टिंग कर रही हैं, क्योंकि आप जानते होंगे नागिन सीजन 6 जब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था जो कि 5 एपिसोड के बाद ही उन्होंने ऑफेयर कर दिया, तो ऐसे में बहुत सोच समझकर वो कास्टिंग कर रही हैं ताकि उन्हें ऐसा दोबारा ना करना पड़े। क्या कुछ आपका कहना कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।